इस समय हमें अमृतसर के अंदर में करतार दा ढाबा, जो कि भाई आजादी से पहले की शॉप है, यानी कि 80 साल पुरानी शॉप है। तो आइए आपको मिलवाते हैं सर से और सारे आइटम आपको दिखाएंगे, 80 साल पुराने समय में वो क्या बेचते थे और इस वक्त वो कौन सा अभी टेस्ट परोस रहे हैं। तो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? यशपाल जी। यशपाल जी, यशपाल जी ये बताइए, अपने पास खाने में क्या क्या आइटम है? चना होता है। क्या बात है भाई, बहुत बेहतरीन है। और इसके साथ में क्या क्या होगा? भीगा कुलचा है। और अपने पास सबसे बेस्ट आइटम क्या है? भीगा कुलचा है। तो एक प्लेट लगाइए हमारा भीगा कुलचा। तो इस कुलचे को भिगा के रखते हैं क्या? चने में डिप करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। ये इन्होंने भाई छोले के अंदर एकदम कुलचे डिप कर दिए पूरी तरीके से। तो ये मतलब आइडिया कैसे आया कि मतलब कुलचे को भिगो कर ही मतलब सर्व करना है? जैसे प्लेन भी खाते हैं, खाने वाला प्लेन भी खाता है। प्लेन भी खाता है खाने वाला। ठीक है, अब क्या क्या जाएगा फिर इसके साथ? तो ये भाई आ रहे करतार दा ढाबा का बेस्ट भीगा कुलचा, जो कि सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट है। और भाई इसके ऊपर थोड़े थोड़े छोले रख दिए गए हैं। और अब क्या आएगा सर इसमें? इसमें चटनी आएगी, खट्टी मीठी चटनी है। खट्टी मीठी चटनी है, ये खुद प्रिपरेशन की होती है अपनी? हां जी, खुद बनाई सर आपने। ठीक है, तो ये भाई चटनी आ गई इसके अंदर, इमली वाली खट्टी मीठी। अब क्या आएगा इसमें? इसमें प्याज आएगा। ठीक है, प्याज। ओके, और ये आलू के स्लाइसेस भी आएंगे। ये उबले हुए आलू है। उबले हुए आलू। ठीक है, दूसरे ऊपर हरी मिर्ची आएगी और साथ में भाई एक हरी मिर्ची। रेडी है सर ये प्लेट? क्या प्राइस रहने वाला है इसका? 20 रुपया है। बड़ा सस्ता नहीं है सर ये? यहाँ ऐसे ही चलता है। और नेक्स्ट आइटम क्या आने वाला है अपने पास? और नेक्स्ट आइटम क्या आएगा अपने पास? मट्टी छोले। मट्टी छोले, तो मतलब उसको मट्टी के साथ छोले में मिक्स करके दोगे आप? क्या बात है। तो ये आइडिया कैसा आया आपको कि मट्टी के अंदर छोले मिक्स करके आपको लोगों को खिलाना है? ओके, तो भाई यहाँ पर मट्टी ले लिए पूरी तरीके से, जो नॉर्मल मट्टी होती है। अब क्या क्या जाएगा इसमें? इसके छोटे काट देते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, छोटे छोटे डाल देंगे। और इस पर वही वाले छोले आएंगे? वही वाले छोले आएंगे। ठीक है, मतलब छोले एक ही होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बेहतरीन चटनी आ गई है। भाई वही चटनी आ गई है, आलू डाल दिया, प्याज डाल दिया। ये तैयार है सर, इसका क्या प्राइस होने वाला है? क्या लगने वाला है सर? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, ये आ गए भाई करतार दा ढाबा के मोस्ट फेमस कढ़ी चावल। और चावल ऐसे लग रहे खत्म हो रहे हैं सर ये? अच्छा, लास्ट टाइम हो रहा है। क्या बात है, किले किले चावल है लेकिन बहुत ज्यादा। और इसके अंदर आने वाले भाई कड़ी, और कड़ी के पकोड़ों में तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं है भाई। अक्सर लोगों की शिकायत रहती थी कि भाई कड़ी के अंदर कड़ी मिलती है लेकिन पकोड़े नहीं मिलते, यहाँ पे दो दो पकोड़े मिलेंगे आपको। और इसका प्राइस कितना रहने वाला है? 20 रुपये। 20 रुपये मात्र।